हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एसकेएफ इंडिया की ओर से जून क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनऑडिटेड स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है फर्स्ट क्वार्टर का, जो कि कवर करेंगे। और पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें तो नंबर जो है मिलियंस में दिए गए हैं। इनकम है इस बार का अगर देखा जाए तो कंपनी का इनकम जनरेट किया है 1246 करोड़ का इनकम है। मार्च 24 में 1238.3 करोड़ का, जून 23 में 1166.8 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 1032.5 करोड़ का, मार्च 24 में 1009 करोड़ का, जून 23 में 959.3 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 213.7 करोड़ का, मार्च 24 में 229 करोड़ का और जून 23 में 207.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया गया। इस कंपनी का यहाँ पे इनकम इंक्रीज लेकिन एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण ही प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है। और नेट प्रॉफिट है 158.9 करोड़ का, मार्च 24 में 175 करोड़ का, जून 23 में 154.4 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट EPS 32.1 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में एज इट इज सेम है। गाइस, इनकम तो इंक्रीज किया बट प्रॉफिट वगैरह में इंपैक्ट पड़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में एज इट इज सेम है। इसलिए गाइस एवरेज रिजल्ट पेश किया। अगर स्टैंडर्ड ऑन कवर करेंगे, इनकम 1246 करोड़ का, मार्च 24 में 1238 करोड़ का, जून 23 में 1166.8 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 1032.5 करोड़ का, मार्च 24 में 1009 करोड़ का, जून 23 में 959 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 213.7 करोड़ का, मार्च 24 में 229 करोड़ का, जून 23 में 207.5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 159 करोड़ का, मार्च 24 में 174.8 करोड़ का, जून 23 में 154.5 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 32.2 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन हुआ है। गाइस, कंपनी का जो रिजल्ट आया ना, अगर देखा जाए तो अच्छी रिजल्ट पेश किया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट में डाउन, इसकी वजह से कंपनी के शेयर को इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि अराउंड 245 में इसका रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आते कंपनी के शेयर थोड़ा बहुत लॉस हुआ है और 5209.5 रुपीज़ पे शेयर ट्रेड कर रहा। 1.6% का लॉस है, 5 डे में 3.8% का लॉस है, 1 मंथ में 11% का लॉस है और 6 मंथ में 16.4% का प्रॉफिट है। कंपनी का शेयर गाइस बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अभी कंसिस्टेंट डाउन होता हुआ नजर आ रही है कंपनी का शेयर पिछले कई दिनों से, मतलब कि 18 जून से कंपनी कंसिस्टेंट डाउन होता हुआ नजर देखने को मिल रहा है। इसलिए अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप इसमें एवरेज करते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को प्रेंट करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।